वो तो घट जाएगा अपने आप। पीपीटी खोलोगे तो आप वो पहले से रख दिए हो इसलिए होगा वो। अरे तो ये हटाओगे तब ना। अच्छा हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और पिछले वीडियो में आपने देखा था 5 नंबर क्वेश्चन तक, और इस वीडियोस में हम लोग शिक्षा कर रहे हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, 1 माइनस कॉस के एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और के जीरो नहीं है, ठीक है। तो हमें एक आइडेंटिटी याद होना चाहिए, वो आइडेंटिटी था 1 माइनस कॉस 2a डेट इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a, ये हमारा आइडेंटिटी था। इसी का हम इस्तेमाल करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू ज़ीरो, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए 2a था तो यहाँ पे a हो गया, मतलब कि जो एंगल्स है वो हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है kx, तो के एक्स क्या हो जाएगा, के एक्स बाई 2, इस तरह का हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो इसमें अब हमें इसको रीअरेंज कर देते हैं, ये कांस्टेंट है 2, तो 2 को बाहर कर दिया, लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब ये देखिए फॉर्मूला जो है कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हमारे पास के एक्स बाई 2 है, तो थीटा भी उसका के एक्स बाई 2 होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, पहले इसको अरेंज कर लें, साइन के एक्स बाई 2 बाई एक्स द होल स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि साइन पे भी स्क्वायर्स है और एक्स पे भी स्क्वायर्स है। अब इसको रीअरेंज करते हैं क्योंकि ये थीटा जो है वो आना चाहिए, ये के एक्स बाई 2 थीटा है तो डिवाइडेड थीटा ही होना चाहिए। तो इसको रिफॉर्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि 2 साइन लिमिट x टेंस टू 0 साइन के एक्स बाई 2 और डिवाइडेड बाई के एक्स बाई 2 पहले लिख देंगे, और जो भी टर्म्स होगा एक्स्ट्रा उसको मल्टीप्लाइड कर देंगे, यानी कि हमें यहाँ मल्टीप्लाइड करना है k बाई 2 बाई के, सॉरी इसको मल्टीप्लाइड हमें करना है 2 बाई के 2 बाई के। अब इससे क्या होगा, k से k कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो x जो है वो आ जाएगा, यानी कि हम कुछ भी रिफॉर्म्स एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, उसी को रीअरेंज कर रहे हैं। तो अब ये हमारा जो टर्म्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 लिमिट x टेंस टू 0 साइन के एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई के एक्स बाई 2 द होल स्क्वायर, और 2 बाई के को रिफॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर बाई 4, चूँकि ये ब्रैकेट से बाहर आ रहा है इसलिए इसका भी स्क्वायर होगा। अब हमें मिलेगा कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन के एक्स बाई 2 और के एक्स बाई 2, तो एक्स 0 है तो उसमें कुछ भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो 0 ही होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं के एक्स बाई 2 टेंस टू 0, क्योंकि एक्स टेंस टू 0 होगा
तो के एक्स बाई टू टेंस टू जीरो हो जाएगा। अभी हमारा फॉर्मूला बन गया, तो ये पूरे फॉर्मूला की वैल्यू वन हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं टू इंटू वन का स्क्वायर इंटू के स्क्वायर बाई फोर, तो टू से फोर कट जाएगा, टू वन का मल्टीप्लिकेशन वन में वन ही होगा, तो ये हमें मिल जाएगा के स्क्वायर बाई टू, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो सिक्स में हमने देखा कि जो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोस है, और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोस के सारे रिलेशन अब हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज में केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स है। जैसे पीछे हम लोग किए थे अल्जेब्रिक था, अब ट्रिग्नोमेट्रिक है, आगे चल के एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फॉर्म्स लॉगरिथम आएंगे अगले एक्सरसाइज में। तो इसमें केवल ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक की रेशियोज या उनके रिलेशन जो है हमको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, और क्वेश्चन नंबर सिक्स का क्वेश्चन नंबर हम सेवन ले लेते हैं। अब सेवन जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह का है, वही फॉर्मूला यूज करना है। तो इसको हम करें, इससे बेटर है कि इसको आप लोग सेल्फ कर लीजिए, और नहीं बनता है तो हमें कमेंट्स में लिखिए, क्योंकि इसमें भी कुछ नहीं करना है। वन माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम ले सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, क्योंकि यहाँ केवल एक्स है तो हाफ होने वाला है एंगल में, तो ये हाफ कर देंगे और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है, और फिर उसी तरह रीअरेंज कर लेंगे। चलिए कर ही देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। तो ये हो जाएगा लिमिट ट्वाइस, यहाँ पे कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए, तो एक्स अब यहाँ पे एक्स बाई टू हो गया है, तो हम इसको यहीं पे रिफॉर्म कर देते हैं एक्स बाई टू, क्योंकि एक्स एक बार जीरोज हो गया तो उसमें कोई भी प्रोडक्शन डिवीजन सारे जीरो ही होंगे। साइन एक्स बाई टू, और यहाँ स्क्वायर्स में ले जाने वाले हैं तो यहाँ एक्स हो जाएगा, और एक्स बाई टू हमें लेना है तो यहाँ टू मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, और इसको हमने ले लिया स्क्वायर में। अब ये क्या होगा कि अगर इसको हम आगे फर्दर इंक्रीज करते हैं तो ये मिल जाएगा ट्वाइस ब्रैकेट लिमिट एक्स टेंस टू एक्स बाई टू टेंस टू ज़ीरो साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड एक्स बाई टू का द होल स्क्वायर, और ये टर्म से बाहर ला रहे हैं तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नीचे है वन बाई टू का स्क्वायर। अब हमें मिलेगा कि जो ये पूरा का पूरा ये टर्म्स है, ये फॉर्मूले में शिफ्ट हो गया साइन थीटा बाई थीटा, तो ये हमें मिल जाएगा कैसा एक्स ट्वाइस, और ये वन का स्क्वायर और इंटू वन बाई टू का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट एक्स वन बाई फोर, तो टू से ये कट जाएगा, टू टाइम्स में वन का स्क्वायर करेंगे वन ही रह जाएगा, तो ये वन बाई टू हमारा अगला आंसर्स हो गया, यानी कि सेवेंथ वाले का आंसर्स हो गया। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आप इस्तेमाल करके इस तरह के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, वो क्वेश्चंस है चूँकि फॉर्मूला वही करना है हमें यूज, लेकिन कुछ शिफ्टिंग करना है इसमें, डायरेक्ट एक ही से नहीं आ पाएगा, तो चलो उसका शिफ्टिंग क्या है ये देख लेते हैं। हम दो पार्ट्स में, यहाँ ऊपर दिया हुआ है और नीचे दिया हुआ है, इसको रीअरेंज करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये देख लीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर है, उसको जब कन्वर्ट्स करेंगे तो आप जल्दी से बताएं क्या लिख सकते हैं उसको। हाँ बिल्कुल सही है, यानी कि टू साइन स्क्वायर और फोर एक्स है, फोर एक्स है तो उसको हम लिखेंगे टू एक्स डिवाइडेड,
वन माइनस फाइव एक्स को फटाफट बोलिए फटाफट। हाँ यस, टू साइन स्क्वायर, और यहाँ फाइव एक्स है तो बिल्कुल सही आपने बताया, फाइव एक्स है तो ये फाइव एक्स बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप पाएंगे कि टू से टू कैंसिल हो गया। ठीक है, और अब हम इसको शिफ्ट करेंगे अलग अलग। कैसे अलग अलग शिफ्ट करेंगे, तो इसका मतलब कि डिनोमिनेटर्स को एक साइड में रखेंगे एक बार और न्यूमरेटर्स को एक बार, डिनोमिनेटर्स और न्यूमरेटर्स दोनों को अलग अलग रखेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर्स में देखो ये टू एक्स आ रहे हैं, तो लिमिट टू एक्स टेंस टू ज़ीरो। आप पीछे भी मैंने बता दिया पिछले क्वेश्चंस में भी कि एक्स अगर टेंस ज़ीरो है तो उसमें कुछ भी मल्टीप्लाइड करे कुछ भी डिवाइड करे वो टेंस ज़ीरो पे ही होगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टू एक्स, और नीचे हो जाएगा लिमिट फाइव एक्स बाई टू टेंस टू ज़ीरो, फाइव बाई टू एक्स में मल्टीप्लाई कर दिया, साइन स्क्वायर फाइव एक्स बाई टू। अब इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट्स करते हैं। कैसे वो कन्वर्ट्स करेंगे, तो फॉर्मूले में कन्वर्ट्स करेंगे कि थीटा जितना है उसी से डिवाइड कर देंगे, अगर वो पहले से नहीं है तो उसमें मल्टीप्लाइड भी कर देंगे। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया लिमिट टू एक्स टेंस टू ज़ीरो, और ये लिख देते हैं साइन टू एक्स बाई टू एक्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टू एक्स मल्टीप्लाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई लिमिट फाइव एक्स बाई टू टेंस टू ज़ीरो, और यहाँ पे है साइन फाइव एक्स बाई टू, तो फाइव एक्स बाई टू डिवाइड भी करना पड़ेगा, और दोनों में मल्टीप्लिकेशन इसलिए हमने एक ही साथ दोनों को ले लिया स्क्वायर। और इस पॉइंट्स को अब हम आगे बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये सॉरी यहाँ पे ये मल्टीप्लाइड करना चाहिए था फाइव एक्स बाई टू। तो ये देखिए ये टू तो ऊपर जाने वाला है, ये नीचे है तो ये वाला टू, लेकिन एक्स दोनों ऊपर चाहिए, अंदर ही काट देते हैं फिर बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें मिल गया लिमिट टू एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन टू एक्स बाई टू एक्स, और नीचे हो गया लिमिट फाइव एक्स बाई टू टेंस टू ज़ीरो साइन फाइव एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई फाइव एक्स बाई टू, और ये दोनों टर्म्स ये स्क्वायर हो गया, और ये दोनों टर्म्स है यहाँ से फाइव और ये टू ऊपर चला गया है, बाहर निकाल देते हैं, लेकिन ये स्क्वायर्स में है तो ये टू का स्क्वायर, ये टू का स्क्वायर है फोर हो जाएगा, और ये टू स्क्वायर फोर, तो फोर फोर जा सिक्सटीन, और ये फाइव का स्क्वायर है तो ये ट्वेंटी फाइव। तो ये पूरा टर्म्स जो है जो ब्रैकेट्स के अंदर है ये वन हो जाएगा, चूँकि फॉर्मूला बन चुका है तो वो वन हो गया है, और आगे बचा हुआ है 16 बाई 25, तो आंसर्स हो गया 16 बाई 25, 60 बाई 25, ये आंसर्स है क्वेश्चन नंबर 81 का। चलिए कुछ और देखते हैं इसी तरह के क्वेश्चंस। ये देखिए यहाँ पे आपको एक हिंट्स देता हूँ मैं, और उससे आप कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एक ही तरह के क्वेश्चंस हो जाएंगे तो आप अगले टाइप्स का नहीं कर पाएंगे। इसमें क्या होगा कि लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो और ऊपर नीचे दोनों तरफ माइनस कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा वन माइनस कॉस टू एक्स और माइनस वन माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस कट गया
आपके पास क्वेश्चंस हो गया लिमिट x टेंस टू जीरो 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड 1 माइनस कॉस x, और इस तरह से आप पिछले क्वेश्चन की तरह इसको कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस आगे कुछ देखते हैं। इसमें भी वही है, m और n जो है फिक्स नॉन जीरो रियल नंबर्स है, मतलब आप इसमें क्वेश्चन नंबर 812 जो बना हुआ है इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि जब आप कंफर्म करेंगे तो वो एम एक्स बाई टू आएगा और एन एक्स बाई टू आएगा, तो एम एक्स बाई टू और एन एक्स बाई टू से डिवाइड और मल्टीप्लाई डिनोमेटर्स और न्यूमरेटर्स में कर लेंगे और इसको निकाल लेंगे। चलिए अब आ जाते हैं इस टर्म्स में, ये क्वेश्चंस है दूसरे टाइप्स का, और मैं इसलिए आपको जो सिंगल सेम टाइम्स के टाइप्स के क्वेश्चंस है उसको आपके लिए छोड़ रहा हूँ, तो इसका मतलब नहीं कि आप भी वो छोड़ दीजिए, आप उसको बनाइए, अगर किसी तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है तो कमेंट्स में हमें भेजिए। अब आते हैं इस टाइप्स के क्वेश्चंस में, टाइप्स तो ट्रिग्नोमेट्रिक ही रहेगा लेकिन अब अलग तरीके से थोड़ा करना है, यानी कि एक उस फॉर्मूले से हट के फॉर्मूला करना है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो tan x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई साइन क्यूब x। इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो और ये हो जाएगा साइन x बाई कॉस x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई साइन क्यू एक्स। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कि लिमिट x टेंस टू ज़ीरो और साइन को कॉमन कर लेते हैं साइन x को, तो 1 बाई कॉस x माइनस 1 मिलेगा डिवाइडेड बाई साइन एस क्यूब मिलेगा साइन क्यूब एक्स। तो इसमें से आप एक साइंस को हटा सकते हैं और वो होगा ये पूरा साइन कट जाएगा, इसमें से 3 कट के 2 हो जाएगा। तो अगला टर्म्स जो हमारा होगा वो हो गया लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो और ऊपर सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको अलग अलग कर देंगे, ये कर देंगे कि लिमिट 1 माइनस, यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस एक्स है एक्स टेंस टू ज़ीरो, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, और बाई कॉस है तो वो नीचे आ जाएगा और यहाँ कर देते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इसको अलग कर देते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो 1 बाई कॉस एक्स। अब ऐसा इसलिए कर दिया कि कॉस एक्स पर जीरो रखेंगे तो ये 1 ही हो जाएगा, तो इसलिए वहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए उसको अलग कर दिया। अब अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा कि अब चेंज करेंगे इसको, तो ये देखिए 2 कांस्टेंट है, बाहर ला दीजिए लिमिट साइन एक्स बाई टू बाई टू कर दीजिए, एक्स बाई टू तो यहाँ मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा एक्स बाई टू, तो यहाँ सॉरी ये ऊपर लिख दिया आपने, नीचे मल्टीप्लाइड करना था, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 बाई एक्स और ये डिवाइड करना है साइन स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा ये थोड़ा सा ये x बाई टू ही होगा, x बाई टू को हम लोग डिवाइड किए हैं तो यहाँ पे x बाई टू, और नीचे हो जाएगा यहाँ पे x बाई टू कर लिया था तो x बाई टू टेंस टू ज़ीरो और यहाँ पे एक सी है ये,
तो यहाँ हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो और साइन एक्स बाई एक्स और इंटू एक्स, और ये दोनों स्क्वायर है इसलिए एक ही स्क्वायर में ले लिया। अब क्या होगा, टू, और ये देखिए लिमिट एक्स बाई टू टेंस टू ज़ीरो साइन एक्स बाई टू, एक्स बाई टू डिवाइडेड लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन एक्स बाई एक्स, इसका स्क्वायर होने वाला है, और इसमें देखो एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये टू का स्क्वायर होगा, टू ऊपर ही है, तो ये हो जाएंगे इंटू फोर। अब ये पूरा टर्म्स जो है ये कन्वर्ट्स हो गया है फॉर्मूले में, तो ये वन का स्क्वायर हो जाएगा, वन बाई वन का स्क्वायर तो वन ही हुआ, तो हमारे पास बचे जाएंगे टू इंटू फोर और एट हो जाएगा आंसर्स। तो हमें एक ही नहीं बल्कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज़ है उनको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक जितने रिलेशंस है याद रखना पड़ेगा, और याद जब रखेंगे तो हमारा सिंपल फॉर्म में आ जाएगा और वहाँ हम फॉर्मूले में कंस्टिट्यूट करके छोड़ देंगे। और देखिए इसमें एक चीज़ छूट गया है, ये तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जब इसको रख देंगे तो ये हो जाएगा वन बाई कॉस जीरो, कॉस जीरो वन होता है तो वन बाई वन इज इक्वल टू वन, तो यहाँ मल्टीप्लाइड होकर ये वन ही रह जाता। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो वो क्वेश्चन नंबर है 11, और इसमें भी देखिए इसमें एक टैक्टिक्स है, इसमें क्या करना है आपको कि साइन 3x के वैल्यू को लिखना है, यानी कि साइन 3x को अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो वो वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, तो साइन 3x इज इक्वल टू क्या होता है पहले ये लेना पड़ेगा, तो साइन 3x इज इक्वल टू, अगर आपको प्रॉब्लम्स आती है याद नहीं है तो कुछ ऐसे भी फॉर्मूले हैं जिसको आप बना कर निकाल सकते हैं, जैसे कि इसको मैं दिखा देता हूँ कैसे बना कर निकाल। साइन 3x को हम लिख सकते हैं साइन 2x प्लस एक्स, और अब ये देखिए कहिए कि यहाँ भी फॉर्मूला एक है वो भी याद नहीं हो तो क्या करें, तो कुछ भी याद नहीं होगा तब तो कुछ भी नहीं होगा, दोनों में से कोई या तो आप डायरेक्ट साइन 3x के फॉर्मूले को याद रखे होंगे या साइन a प्लस बी, तो हमने वैसे बनाने की निर्णय इसलिए लिया कि जनरली कुछ लोग 9th-10th से ही a प्लस बी फॉर्मूले को करने लगते हैं और कुछ लोग 11th में जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन साइन a प्लस बी, कॉस a प्लस बी इन सब से होता है, तो वो बच्चों को याद रहता है, लेकिन 2x 3x या अदर कंपाउंड एंगल्स है या हाफ एंगल्स है उसका बच्चों को कम याद रहता है, तो इस तरह कन्वर्ट्स करके इसको देख सकते हैं और देखिए कि क्या होता है क्या आता है। तो यहाँ आप लिख सकते हो साइन a प्लस बी होता है साइन 2x cos x, यानी कि साइन a cos b प्लस cos 2x cos a और साइन b x। अब cos वाले टर्म्स को हटाना है हमें, तो ये देखिए कैसे हटेगा, यहाँ पे साइन 2x का मतलब हो गया 2 साइन x cos x, और cos x एक है तो cos स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे cos 2x है इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और इसमें मल्टीप्लाइड होने वाला है साइन x। अब यहाँ पे 2 साइन x तो है, cos हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 2 साइन x 1 माइनस साइन स्क्वायर x cos की वैल्यू, और यहाँ सॉल्व कर देंगे तो साइन x
माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको जब सॉल्व कर देंगे पूरी तरह से साइन के टर्म्स में तो ये हमें क्या मिलेगा, टू साइन एक्स, टू साइन एक्स माइनस टू साइन क्यूब, और यहाँ भी क्यूब ही है ये, और टू साइन क्यूब एक्स माइनस में हो गया और इधर प्लस साइन एक्स माइनस टू साइन क्यूब एक्स, और इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टू साइन एक्स प्लस साइन एक्स थ्री साइन एक्स और माइनस फोर साइन क्यूब एक्स। अब यहाँ पे हमें मिलेगा क्या कि साइन थ्री एक्स के वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो थ्री साइन एक्स, देखिए यहाँ पे छूट गया है थ्री साइन एक्स है, ये थ्री साइन एक्स माइनस ये वैल्यू रख देंगे थ्री साइन एक्स, और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस फोर साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब हो जाएगा। अब आप लिख सकते हैं इसको, चलिए वहाँ साइन एक्स ऐसे, हालांकि थ्री साइन एक्स रहता है लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है तो बुक से देखना पड़ेगा कि उसमें क्या दिया हुआ है, अगर दिया है तो इस तरह से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये देखिए कट जाएगा साइन थ्री एक्स और साइन थ्री एक्स, लेकिन इसमें नहीं दिया था तो इसको हटा देते हैं हम और तब हम कोशिश करते हैं कि क्या होगा इसका वैल्यू। अब आ जाइए कि इसके वैल्यू क्या होगा, नहीं वहाँ पे होगा ही नहीं तो ये इन्फिनिटी में हो जाएगा, इसकी वैल्यू नहीं निकल पाएगा, मतलब कि वहाँ पे 3x है ही, तो ये 3x हो गया तो ये कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद हमारे पास बच जाएगा लिमिट x टेंस टू ज़ीरो फोर साइन क्यूब x डिवाइडेड बाई x क्यूब, फोर कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और लिमिट x टेंस टू ज़ीरो साइन x बाई x का होल क्यूब, ये फॉर्मूला बन गया, ये वन हो जाएगा और यहाँ पे होगा फोर इंटू वन का क्यूब डेट इज इक्वल टू फोर है, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने आज 11 नंबर तक देखा क्वेश्चंस, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस लेकर आएंगे और तब तक के लिए आपको जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं या आप आगे भी बनाते रहिए, ये एक्सरसाइज नंबर 27.2 का टाइप जो था, और आगे आप कीजिए, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है आप हमें कमेंट्स में करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे हम सारे साथ बने रहिए, हम आपके लिए पूरे कोर्स साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी कंटेंट लेकर आते रहेंगे। ओके, थैंक यू।